हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन द डेंटल ट्रैवल व्लॉग। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 यूनिट कैटकैन ब्रिज के बारे में। अभी मैंने 5 से 6 दिन पहले ही ये केस को डिलीवर किया है, तो मैंने सोचा आपसे इस केस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी केस स्टार्ट करने से पहले दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला, पेशेंट की क्या दिक्कत है, और दूसरा, पेशेंट क्या चाहता है। पेशेंट की सबसे पहली प्रॉब्लम यह थी कि वो खाने को सही ढंग से चबा नहीं पाती हैं, और पेशेंट की दूसरी प्रॉब्लम यह थी कि इनके जो है बीच बीच में दांत नहीं है, और वो जो है वहां पे एक नया टूथ लगवाना चाहती हैं। पेशेंट की एक और चीफ कंप्लेंट ये है कि लोअर आर्म्स में इनको सेंसिटिविटी प्रॉब्लम है। जब भी वो ठंडा पानी पीते हैं या कोई ठंडा खाना खाते हैं तो उनको लोअर आर्म्स में बहुत ज्यादा ठंडा लगने लगता है, सेंसिटिविटी होने लगती है। पेशेंट की चीफ कंप्लेंट सुनने के बाद ओरल एग्जामिनेशन किया और पेशेंट का अपर और लोअर आर्च पार्शली ईडेंचुलस था। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि पार्शली ईडेंचुलस क्या होता है। पार्शली ईडेंचुलस का मतलब होता है कि बीच बीच में दांत होते हैं और बीच बीच में गैप होता है, मिसिंग एरिया होता है, तो उस आर्च को पार्शली ईडेंचुलस आर्च बोलते हैं। जब ओरल एग्जामिनेशन किया तो जो लोअर आर्च में जो टूथ प्रेजेंट थे वो इतने ज्यादा घिस चुके थे, इतने ज्यादा छोटे थे, जिसकी वजह से उनको सेंसिटिविटी प्रॉब्लम प्लस हल्का हल्का पेन होता था। सबसे पहले मैंने पेशेंट को डिजिटल ओपीजी के लिए एडवाइस किया, क्योंकि बहुत सारे जो टूथ प्रेजेंट थे वो बहुत ज्यादा छोटे थे, मुझे उनकी रूट की कंडीशन देखनी थी, और प्लस जो मिसिंग एरिया थे जहां पे दांत नहीं थे वहां पे मुझे चेक करना था कि कोई रूट स्टम अंदर प्रेजेंट तो नहीं है। ये है पेशेंट का डिजिटल ओपीजी, और इसमें आप साथ साथ देख रहे हैं कि जो अपर आर्च है सेकेंड क्वाड्रेंट में, जो बैक टूथ रीजन है उसमें कोई भी दांत नहीं है, और लोअर आर्च की अगर हम बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पीछे की तरफ जो एरिया है वो पूरा मिसिंग है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो सेकेंड प्री मोलर है और फर्स्ट मोलर है वो मिसिंग है। इस पिक में आप क्लियरली देख रहे होंगे कि जो पेशेंट का जो अपर एंटीरियर जो टीथ हैं वो लगभग जो है लोअर एंटीरियर टीथ को कवर कर लेते हैं, और नीचे के दांत आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा छोटे हैं और घिसे हुए हैं, और ऊपर के जो सामने के दांत हैं लगभग नीचे वाले दांत को कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो वर्टिकल हाइट है पेशेंट की वो काफी ज्यादा कम हो गई। पेशेंट को सेंसिटिविटी प्रॉब्लम थी और स्लाइट सा पेन था, जिसकी वजह से हम लोग को रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ा। अगर डायरेक्टली हम लोग क्राउन प्रिपरेशन करते तो पेशेंट को ऑलरेडी पेन है, सेंसिटिविटी प्रॉब्लम है, तो उसकी दिक्कतें बढ़ जाती। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट हम लोग को जितने भी टूथ प्रेजेंट थे सब में करना पड़ा। रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप था क्राउन प्रिपरेशन। इस पिक में आप देख रहे होंगे कि हम लोग ने इसमें क्राउन प्रिपरेशन किया हुआ है। क्राउन प्रिपरेशन कंप्लीट करने के बाद हम लोग ने इम्प्रेशन लिया मोनोफेस एडिशन सिलिकॉन इम्प्रेशन मटीरियल से। इम्प्रेशन लेने के बाद लैब में इम्प्रेशन को भेज दिया, और करीबन कम से कम 3 से 4 दिन के बाद जो है मेटल कोपिंग आता है और पेशेंट के माउथ में वो लगा के चेक कर लिया जाता है। एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोपिंग ट्रायल करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब भी आप मल्टीपल यूनिट क्राउन देते हैं पहली चीज एक तो फिटिंग आपको पता लग जाती है क्राउन की, दूसरी चीज होती है अगर कहीं से भी प्रॉपर सीट नहीं होता है क्राउन तो वहां पे स्पेस क्रिएट हो जाता है और फर्दर आगे जा करके पेशेंट को फूट लॉजमेंट की प्रॉब्लम हो जाती है, बाद में क्रीज या टूथ डिके होने के चांसेस हो जाते हैं, पॉकेट का फॉर्मेशन हो जाता है और पेशेंट को बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। कोपिंग ट्रायल करने के बाद फेसबो ट्रांसफर किया और उसके बाद आर्टिकुलेटर पे माउंट कर दिया। आर्टिकुलेटर पे हम हाई वर्टिकल हाइट को इंक्रीज करेंगे जितनी हम लोग को हाइट इंक्रीज करनी है, और उसके बाद जो है सेरमाइजेशन होता है।
अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है ना तो बिना लाइक किए मत जाइएगा, शेयर कर दीजिए, कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और आपसे मिलूंगा एक अनदर वीडियो में। तब तक की बाय बाय, जय हिंद।